ये सत्य घटना बताऊंगा, लेकिन उसमें मेरे पास तो मोबाइल नहीं था जी जो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, जी लेकिन मैं अपने साथ हुई घटना आपको बता सकता हूँ। जी मैं एक बार अपने पहाड़ से कहीं बाहर गया हुआ था, जी मैदानी क्षेत्र में। जी मैं जगह का नाम तो नहीं बता पाऊँगा आपको, जी जी सर, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होनी है जो कि गुप्त भी रखी जाती हैं। जी बातें तो मैं जब वहाँ गया था अपने जीजा के यहाँ, जी मैं उनके खेत में गया शाम के टाइम। ओके। तो एक पेड़ था वहाँ पर खैर का, जी तो उस पेड़ से जी शाम के टाइम में करीब 7 बजे के आसपास जी एक पंछी के रूप में, मैं जब उस पेड़ के पास गया तो एक पंछी के रूप में वो उड़ता हुआ नीचे आया मेरे सामने। मतलब ये अंधेरे की बात है? अंधेरा नहीं, मतलब हल्का अंधेरा होता, गर्मी की बात थी जी। तो मुझे आवाज़ महसूस हुई चिड़िया की जी सामने जी। तो मैंने जब देखा तो एक सफेद वर्दी में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा मुझे जी, जो कि मेरी हाइट थी 5 फीट जी, उस वक्त आज से 5-7 साल पहले। तो वो करीब बना 10 फीट 12 फीट ऊंचा जी, सीधे मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं घबरा गया डर के मारे कि अचानक ये क्या हुआ जी। सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, सफेद टोपी जी एकदम से मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरी शरीर में इतनी कंपन हो गई, घबराहट हो गई जी। तो मैं एकदम से मुड़ा Okay. तो मेरे मुड़ते ही मेरे आगे खड़ा हो गया, फिर पहले मैं दाएं था तो दाएं खड़ा था, तो मैं बाएं हुआ तो फिर मेरे बाएं आगे खड़ा हो गया जी। मतलब ये सब चीज़ें आप अपनी आंखों से देख पा रहे थे? हकीकत तो मैंने देखी है। मैंने बहुत भूतों के बारे में मेरे साथ 2-3 घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। सर पहले इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं तो इस घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं जब बाएं मुड़ा तो मेरे सामने खड़ा हो गया, मैं एकदम से घबरा गया डर के मारे जी। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा जी। वो मुझे करीब 500 मीटर छोड़ने आया जी, लेकिन मुझे छुआ नहीं। ओ माय गॉड। मुझसे करीब 5-10 मीटर उसका अंतर रहा जी, कभी आगे कभी पीछे मेरे साथ चलते रहा जी, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते रहा जी। मतलब हनुमान चालीसा में भी उतनी ज़्यादा पावर है? पावर होती है वो जी। हम हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, जो हमारी संस्कृति है जी, हम देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं जी। तो हम विशेषकर भूत प्रेत के उसमें हनुमान जी को बहुत महत्व देते हैं जी। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि हनुमान जहाँ भी भूत प्रेत हो, अगर आप हनुमान जी का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान संकट मोचन या बजरंग बाण का पाठ करें तो भूत प्रेत निकट नहीं आते हैं जी। तो मैंने वही करा, हनुमान चालीसा का पाठ करा जी। मुझे करीब 500 मीटर एक मकान था वहाँ पर, उसके बगल तो मुझे छोड़ के गया वो भाई, लेकिन उसने मुझे छुआ नहीं। और अपनी पूरी उसने हिस्ट्री भी बताई, मैं कौन हूँ, क्या हूँ जी, किस हालत में मैं यहाँ था जी। तो मैं इस चीज़ को तो आपको शेयर नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन मैंने जो मेरे साथ घटना हुई वो मैंने आपको बताया। तो सर के साथ बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है, और नेक्स्ट टाइम भी हम एक एपिसोड सर के साथ रखेंगे, क्या पता 1-2-3 बहुत ज़्यादा एपिसोड सर के साथ हम रखेंगे, क्योंकि सर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। और नेक्स्ट टाइम हम सर के साथ जुड़ेंगे एक रियल सच्ची घटना के साथ, जो भूत प्रेतों के बारे में, और साथ में हम कुछ अपने ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से सर की तरफ से रिक्वेस्ट है, सर कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि ये ज्ञान भी हर जगह के लोगों तक पहुँच पाए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ये पहाड़ी कल्चर के बारे में, जिसे पहाड़ी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, इस चीज़ को
मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को आप समाप्त न करें, इसको हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दें, यूरोपीय सभ्यता को हमारी संस्कृति पर हावी न होने दें, और जो हमारे देवी देवता हैं उनको भी स्थान दें। कहीं ना कहीं हम अपने दिल पे या अपने घर पे जहाँ भी कोई व्यक्ति हो, मेरा यही अनुरोध है, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं।